काम करने में लगा हुआ है। और पीएम की आज ओडिशा में रैली हुई, तो चलिए आपको यहाँ के कुछ गांव का जो जमीनी स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का भी एक गांव ऐसा ही है। इस गांव में युवा नहीं बल्कि बुजुर्ग और महिलाएं ही दिखाई देती हैं। गिरीश रोशना की यह खास रिपोर्ट देखिए। ये ओडिशा का पीतल गांव है। पीतल गांव हिजली विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। बावजूद इसके यहाँ के युवा पलायन को मजबूर हैं। जिस घर की तरफ आप यहाँ नजर उठाएंगे, वहाँ या तो बुजुर्ग या फिर महिलाएं ही दिखाई देंगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार की मजबूरी ने मिट्टी से अलग होने को मजबूर कर दिया। आपने यहाँ पे खेती बाड़ी में जो होता है ना, तो अपने के लिए कम पड़ता है। स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का है तो पैसा भी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सूरत में जाता है। 12 घंटा वहाँ पे भी करना पड़ता है, रात भी करना पड़ता है, दिन भी करना पड़ता है। इधर तो कुछ भी कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पानी भी बराबर मिलता नहीं पीने के लिए। 70 साल की उम्र में दंडपाड़ी की बूढ़ी आँखों को अपने बेटे का इंतजार है, जो बरसों पहले रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। ऐसी कहानी सिर्फ दंडपाड़ी की ही नहीं, ऐसे इस गांव, इस क्षेत्र के कई लोग हैं जिन्हें अपनों के लौटने का इंतजार है। मेरा बेटा बहुत सालों से बाहर है, गांव में काम नहीं मिला, कई बार वादे किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटा शहर कमाने गया था लेकिन वापस नहीं आया। इनका बच्चा तो 25 साल हो गया, तो कहां गया उसका कुछ भी पता नहीं।